हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो मेरे भाई लोग, AEW से निकाले जाने के बाद हमारे CM Punk की WWE में वापसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। तो मैं आपको इस वीडियो में उस अपडेट को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में कभी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां WWE पेबैक जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट में व्यस्त था, वहीं पर हमारे AEW ने CM Punk को रिलीज करके पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में सनसनी फैला दी है। WWE में भी इस खबर को लेकर हमारे बैक स्टेज में काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। अब कई लोग हमारे CM Punk के WWE में वापसी की संभावनाएं जता रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। फ्रेंड्स, AEW ने CM Punk को कोलिशन के हालिया एपिसोड से पहले ही कंपनी से निकाल दिया था। AIP जैसे पेपरव्यू में हमारे जैक पेरी के साथ झगड़े को लेकर CM Punk से हमारे ऑफिशियल्स काफी नाराज थे, और इसी वजह से हमारे AEW के मालिक हमारे टोनी खान को यह डिसीजन लेना पड़ा था। इसका असर WWE पर भी हमें देखने को मिला था, जहां पर पेबैक के इवेंट के दौरान हमारे बैक स्टेज में भी कई लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। फाइटफुल के सोन रोस सैप ने भी CM Punk को AEW से निकाले जाने पर फैंस को कुछ जानकारी दी है। उनसे किसी फैन ने पूछा कि क्या हमारे CM Punk का WWE में वापसी देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सभी सुपरस्टार्स की तरह 44 साल के CM Punk को भी वापसी का WWE में मौका मिल सकता है। हालांकि कुछ लोग भी हमारे CM Punk को वापसी कराने के खिलाफ हैं, जैसे में ट्रिपल एच भी हो सकते हैं, जिनका रिश्ता नाता काफी खराब है हमारे CM Punk के रिश्ते से। लेकिन ये निर्णय हमारे WWE वाले ही लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर हमारे CM Punk WWE में रिटर्न भी आएंगे तो वो फिलहाल में रिटर्न नहीं आने वाले हैं, वो शायद 5-6 महीने बाद ही रिटर्न आ सकते हैं WWE में। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या CM Punk WWE में रिटर्न आने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये बात भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हमारे AEW को CM Punk को नहीं निकालना चाहिए था। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।